हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए। जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने के इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समव्यसक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले, उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया, पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं आती? सर्वत्र तुम दयालु हो परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख
और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा। मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100-100 टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान षट दूसरा कोई नहीं है जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? प्रिय भक्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।